ये हुंडई का क्रेटा गाड़ी है, इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि इसका एसी चालू नहीं हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे गाड़ी स्टार्ट करके एसी चल रहा है कि नहीं। तो इसका बैटरी डाउन है, अब मैं दूसरा बैटरी लगा के चेक करता हूँ। तो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ, अब इसमें देखेंगे कोई एरर है क्या इसके अंदर। इसके अंदर तो कोई एरर नहीं, अब हमको आगे चल के कंप्रेसर देखना पड़ेगा, उसका पुली घूम रहा है कि नहीं। इसका जो 8 नंबर का नट है ये कंटिन्यूसली कंप्रेसर के साथ घूमना मांगता है, लेकिन वो घूम नहीं रहा। इसका मतलब हमारे कंप्रेसर के अंदर कोई कभी दिक्कत है। अब मैं इसको खोल के चेक करने वाला हूँ। इसका गैस भी मैंने प्रॉपरली चेक किया है, इसके अंदर गैस भी है गाड़ी के अंदर, और इसका कंप्रेसर में वोल्टेज भी आ रहा है। इधर उसका सॉकेट है नीचे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका वायर है और ये नीचे उसका सॉकेट है। इसमें भी मैंने टेस्ट लैंप लगा के करंट चेक किया है। और कभी कभी क्या होता है, ये कंप्रेसर के अंदर, इसके अंदर एक वाल आता है कंप्रेसर का, वो ख़राब होने जाने पर भी ये सी काम नहीं करता है आपका, लेकिन उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आता है कि ये नट घूमना बंद हो जाता है। लेकिन ये मैंने चेक किया ना, तो वाल का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कन्फर्म ये कंप्रेसर ही ख़राब है। अब यही रिप्लेस करके देखने वाला है मैं अभी। कंप्रेसर डाल के गाड़ी का प्रॉब्लम एकदम फर्स्ट क्लास सॉल्व हो गया है। अभी फ़िलहाल गाड़ी जा चुका है, वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गाड़ी एकदम ओके हो गए हैं अभी।